Channel, we are doing question number 9th of chapter number 39, alternating current. A coil of the inductance 5 mH and negligible resistance is connected to an oscillator of the previous problem. Find the peak current in the circuit for omega is equal to 100 per second, 500 per second and 1000 per second. Hello guys, welcome again. I'm your mentor Anurag. Hope you're doing well. And we are doing question number 9th. Question number 9th ke aapko like connected hai kise? Last question se. Last question mein kya given tha? That will be E is equal to, that will be 10 volt sine omega t. Theek hai? Ye kya tha? लास्ट जो ऑसिलेटर था वही ऑसिलेटर सेम रखा है और उसकी जो आउटपुट वोल्टेज थी वो ये थी. ठीक है, दैट इज़ अ थिंग. और ऑसिलेटर को क्या कंसीडर करना है आपको? एसी सोर्स. लास्ट क्वेश्चन में हम ये बात डिस्कस करी थी. ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं एसी करंट की इक्वेशन के साथ. ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ओके, ई नॉट को कंपेयर करने पे ये आएगा दैट विल बी 10 वोल्ट लाइक लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, उसके बाद कहता है कि क्या निकालना है अपने को? पीक करंट, ओम्स लॉ, वोल्टेज I, रेजिस्टेंस. I इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कॉइल है और कॉइल भी क्या करता है? रेजिस्टेंस देता है, जिसको आप क्या बोलते हो? इंडक्टिव रिएक्टेंस. ठीक है, तो रेजिस्टेंस से इंडक्टर से दिया हुआ रेजिस्टेंस कौन है? इंडक्टिव रिएक्टेंस. ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? XL, विच इज इक्वल टू ओमेगा L. ठीक है, तो यही रेजिस्टेंस है. ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है? दैट विल बी पीक करंट. तो पीक करंट के लिए आपको वोल्टेज भी क्या लेनी पड़ेगी? पीक वोल्टेज. और जो दैट विल बी रोकने वाला है करंट को, दैट विल बी क्या? रेजिस्टेंस, जिसको आप क्या बोल रहे हो? इंडक्टिव रिएक्टेंस. वो यहाँ पे आ जाएगा रेजिस्टेंस की जगह. ठीक है, दैट विल बी XL. ओके, नाउ आई नोट तो हमें निकालना है. ई नोट की वैल्यू एच इज गिवन 10 XL ओमेगा L. L की वैल्यू भी गिवन है, दैट विल बी कितना? 5 मिली हेनरी, विच इज इक्वल टू 10 ओमेगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3. ठीक है जी, और ये हुआ 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3000. ठीक है, एंड ओमेगा 2000 बाय ओमेगा, ये एक्चुअल किसके है? आई नोट की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया. ठीक है, अब आपको क्या करना है? सिर्फ ओमेगा की वैल्यू डालते जाओ, यू विल गेट द आंसर आई नोट. ठीक है, कब? जब ओमेगा कितना रखना आपको? 100. 2000 बाय में कितना? 100. चल भैया, कितना हो गया? 20 एम्पियर. नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं 500. 2000 डिवाइडेड बाय 500, दैट विल बी 4 एम्पियर. और इसके बाद है हमारे पास 1000. 2000 बाय में 1000, विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर. दीज आर थ्री आंसर फॉर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी वैल्यूज ऑफ पीक करंट. ठीक है, समझना क्या था? सिर्फ रेजिस्टेंस बाय इंडक्टर, इंडक्टिव रिएक्टेंस. ठीक है, होप फंडा क्लियर होगा. फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स एंड